सिख प्रसाद के पार्षद व एमआईसी में स्वास्थ्य विभाग प्रभारी लक्ष्मीपति राजू का जन्मदिन उनके निवास स्थान में हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। पार्षद लक्ष्मीपति राजू को जन्मदिन की बधाई व शुभकामनाएं देने वालों का सुबह से ही तांता लगा रहा। सरल व मधुर व्यक्तित्व की धनी लक्ष्मीपति राजू का व्यवहार ही तो है जो वार्ड वासियों का आशीर्वाद बनकर उन पर बरसता दिखाई दे रहा है। जी हाँ, सेक्टर 7 के पार्षद लक्ष्मीपति राजू के जन्मदिन पर उनके निवास स्थान में जो नज़ारा था वो बेहद ही मनमोहक था। लगातार 20 वर्षों से पार्षद रहकर क्षेत्र की जनता की सेवा कर जनता का मन मोह ले रहे हैं वे। उनके स्नेह व सेवा का ही फल है जो उनके ही जन्मदिन पर वार्ड के लोगों ने उनका जोशीला जन्मदिन मनाकर उत्साह व आदर दिखाया है। सुबह से ही उनके निवास स्थान में मिलने वालों का तांता लगा रहा। कोई पुष्प गुच्छ भेंट कर सम्मान करता दिखाई दिया तो कोई केक काटकर मुंह मीठा कराकर और शुभकामनाएं देता नजर आया। और अधिक स्नेह तो उस वक्त नजर आया जब उन्हें लड्डुओं से तौला गया। पटाखे फोड़कर आतिशबाजी कर व गाजेबाजी के साथ पहुंचे उनके चाहने वालों में गजब का उत्साह दिखाई दिया। वही रक्तदान शिविर का और हृदय रोग परीक्षण शिविर भी यहां पर लगाया गया था। जहां पहुंचे लोगों ने हृदय परीक्षण करवाए वही रक्तदान भी किया। उनके जन्मदिन पर बधाई देने पहुंचे लोगों ने उनके दीर्घायु होने की कामना करते हुए उनके कार्यों की सराहना की। लक्ष्मीपति राजू कई वर्षों से हम लोग साथ हैं, दोस्त हैं हम लोग आपस में। छोटा है और संघर्षशील है, वार्ड से चौथी बार पार्षद बने हैं और विकास कार्य जो कर रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग में रहते हुए भिलाई में उन्होंने प्राइज भी दिलाया है निगम के द्वारा, तो मैं उनके इस बर्थडे के अवसर पर उसका हार्दिक शुभकामना देता हूँ। लक्ष्मीपति राजू को मैं 1990 से साथ में जुड़ा हूँ, उसको जानता हूँ। लगातार क्षेत्र के लोगों के लिए जो काम किया है, आप उसका प्यार देखिए, लोग उसे इतना प्यार करते हैं कि इतनी बड़ी संख्या में आते हैं कि लक्ष्मीपति को यहाँ के लोग बहुत चाहते हैं। लगातार लोगों के साथ लगा रहता है, इस वजह से उसको लोगों का प्यार बना हुआ है। जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं और ऐसी तरह जीवन में उन्नति करें, ये हम लोग सबकी शुभकामनाएं उनके लिए। श्री लक्ष्मीपति राजू जी के जन्मदिवस के उपलक्ष्य में, जो कि स्वस्थ प्रभारी हैं नगर निगम भिलाई के, उनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में आज स्माइल अ लिटिल फाउंडेशन के द्वारा हम सब सदस्यों के द्वारा एक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है। इस शिविर का आयोजन आशीर्वाद ब्लड बैंक नेहरू नगर के द्वारा किया गया है। ये सब पूरी टीम है। अभी तक का डोनेशन जो है वो 30 प्लस हो चुका है, आगे भी और जितना ज़्यादा होते जाएगा उस कार्यक्रम बढ़ता जाएगा। वहीं अपने जन्मदिन पर लोगों के मिलते अपार स्नेह से वार्डवासियों के प्रति कृतज्ञता दिखाते हुए लक्ष्मीपति राजू ने अपनी प्रतिक्रिया दी। बिल्कुल, मेरे वार्डवासी, मेरे क्षेत्र के संपूर्ण भिलाई के लोगों, मेरे माता पिता, बड़े बहनों एवं और भी मेरे दोस्तों द्वारा आज मेरे जन्मदिन के उपलक्ष्य में बहुत ही प्यार, बहुत ही सहयोग मिल रहा है। आप भी देख रहे हैं, लगातार ब्लड डोनेशन कैंप लगाया हुआ है। अभी लगभग 50 के करीब लोग दे दिए हैं, 100 लोग और देंगे। उसके अलावा बहुत सारे कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। हार्ट केयर सेंटर का भी मेरे साथियों द्वारा चेकअप का कैंप लगाया गया है और बहुत से अन्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। इस कारण मैं अपने समस्त क्षेत्र के लोग, मेरे सब साथी, मेरे टीम के लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने मुझे इतना प्यार और इतना सहयोग किया। मैं हमेशा इनके साथ हूँ और साथ रहूँगा। मैं भिलाई को स्वच्छ और सुंदर बनाना चाहता हूँ। मेरा एक ही संकल्प है, सब स्वस्थ रहें और चुस्त रहें, यही मेरा संकल्प है। और सभी कोरोना कार्यकाल में सुरक्षित रहें। ऐसे कंधा मिलाकर साथ चल रहा हूँ और आगे भी जिस तरह उनका प्यार और सहयोग मुझे मिला है, जिन्होंने मुझे इस स्तर पर, इस बड़े स्तर पर पहुँचाया है जो मेरे क्षेत्र के लोगों के द्वारा है, मैं हमेशा उनका ऋणी रहूँगा। हमेशा, चाहे दुख की समय हो चाहे सुख का समय हो, हमेशा उनके साथ खड़ा रहूँगा। क्योंकि आज जो भी हूँ मैं उन्हीं की बदौलत हूँ, उन्हीं के प्यार और सहयोग से हूँ, हमेशा उनके साथ रहूँगा। धन्यवाद। बहरहाल पार्षद व स्वास्थ्य प्रभारी लक्ष्मीपति राजू के जन्मदिन पर सुबह से शाम तक मिलने व बधाइयां देने वालों का तांता लगा रहा। सभी ने उनके उत्तरोत्तर तरक्की की कामना करते हुए दीर्घायु होने की दुआएं दी। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए शाहिन खान की रिपोर्ट।